चाइना, जिसके वुहान शहर से कोरोना निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया और जब अन्य देशों ने चीन में जांच करनी चाहिए तो चीनी राष्ट्रपति ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब चीन जांच के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक ऐसा क्या हुआ जो चीनी विदेश मंत्री वांग यी जांच की बात मानने को तैयार हो गए? वजह चाहे जो हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर कोरोना के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहा चीन इस महामारी की उत्पत्ति की जांच के लिए आखिरकार तैयार हो गया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने वार्षिक संसद सत्र के मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि चीन वायरस के स्रोत को देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने के लिए खुला है। हम मानते हैं कि ये जांच पेशेवर, निष्पक्ष और रचनात्मक होनी चाहिए। वांग यी ने कहा कि निष्पक्षता का अर्थ है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करें और अनुमान के आधार पर किसी के अपराधी ठहराए जाने का विरोध करें। इसके अलावा वांग यी अमेरिका पर भी जमकर बरसे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब तक चीन पर की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन को कलंकित करने और अफवाह फैलाने की अमेरिका की कोशिशें विफल रही हैं। ये तो आपको पता ही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक से अलग भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने वायरस की उत्पत्ति संबंधी अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी, जिसके बाद वांग यी ने दावा किया है कि हाल के तनाव की वजह से अमेरिका और चीन नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्री भले ही अब चीन में कोरोना की निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हों, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति संबंधी जांच करवाने से मना कर दिया था। जिनपिंग ने कहा था ये जांच कोरोना वायरस महामारी खत्म होने के बाद कराई जा सकती है, लेकिन इस सबके बाद ये जो चीन का हृदय परिवर्तन हुआ है उसने दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया है। न जाने चीन में अब ऐसा क्या बदल गया है जो अब कोरोना की जांच वहां हो सकती है लेकिन पहले नहीं हो सकती थी।